दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग मूवी है। और इस मूवी में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि आपको मूवी के स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे। तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मूवी को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मूवी के एंड में एक बहुत ही बड़ा राज रिवील होने वाला है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है सुशी गर्ल और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6/10 स्टार्स है। ये पूरी मूवी टॉर्चर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अपने टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा। आप वीडियो को ख़त्म करने के बाद में वहां पर जाकर इस मूवी को भी देख सकते हैं। तो अब चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ लोगों से जो कि किसी के कॉल या फिर किसी की बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे। और उसके बाद में हम कोर्टनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि मेकअप कर रही थी। उसके पास में एक आदमी आता है जो कि कोर्टनी को उसके काम के लिए जल्दी रेडी होने को कहता है। फिर कुछ देर के बाद में कोर्टनी एक डाइनिंग टेबल के पास आती है जहां पर वो अपने सारे कपड़े उतारकर नेकेड ही उस डाइनिंग टेबल पर लेट जाती है। फिर वहां पर सोनी नाम का एक जापानी शेफ आता है जो कि कोर्टनी की बॉडी पर उस खाने को सजाने लगता है। कोर्टनी यहाँ पर एक सुशी गर्ल थी और आज इस काम में उसका पहला दिन था। अब खाने को कोर्टनी के ऊपर सजाने के बाद में शेफ कोर्टनी को कुछ एडवाइस देता है कि कुछ भी हो जाए, कोर्टनी को किसी के साथ भी आई कांटेक्ट नहीं करना है, किसी के साथ भी कोई बातचीत नहीं करना है, बस एक डेड बॉडी की तरह लेटा रहना है। अगर उसने कोई भी मूवमेंट की तो वो मारी जाएगी। दूसरी तरफ हम फिश नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने जेल में अपनी सजा पूरी कर ली थी। जेल से निकलते ही फिश अपने घर पर कॉल करता है और कॉल उसकी बेटी उठाती है, लेकिन वो अपने फादर से बात करके जरा भी खुश नहीं थी। फिश की बेटी उसकी वाइफ को फ़ोन देती है, लेकिन वो फिश की आवाज़ सुनते ही फ़ोन को कट कर देती है, जिस बात से फिश बहुत ही दुखी था। फिर उसके बाद में फिश को एक आदमी पिकअप करने के लिए आता है और रास्ते में फिश उस आदमी को ये कह रहा था कि उसने पुलिस के सामने उनका नाम नहीं लिया है तो उसे जाने दिया जाए, लेकिन वो आदमी फिश की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। सीन कट होता है और अगेन उस जापानीज होटल में आ जाता है जहाँ पर हम ड्यूक और क्रो को देखते हैं। क्रो को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन ड्यूक यहाँ पर एक बड़ा जापानीज रेस्टोरेंट बनाने वाला था। ड्यूक उसे उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो सुशी गर्ल थी। सुशी गर्ल को देखकर क्रो खुश हो जाता है और उस सुशी गर्ल से कोई मूवमेंट करवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोर्टनी बिल्कुल भी नहीं हिलती है और वो अपने सुशी गर्ल के रोल को बहुत ही अच्छे से कर रही थी। ड्यूक ने पूरे होटल को रेनोवेट नहीं किया था, बस एक ही रूम को उसने जापानीज थीम में रेडी किया था जो रूम क्रो को बहुत पसंद आता है। क्रो और ड्यूक कुछ देर तक बातें करते हैं और उसके बाद में वहाँ पर उनका एक दोस्त मैक्स आता है। क्रो और मैक्स की दोस्ती अच्छी नहीं थी और दोनों एक दूसरे को देखकर ताना मारने लगते हैं। फिर उसी टाइम उनका एक और पुराना दोस्त फ्रांसिस आता है और वो भी सभी के साथ में बातें करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जहाँ पर पास्ट में उन लोगों ने साथ में मिलकर कुछ काम किया था जिसमें फिश भी उनके साथ में था। फिर 6 साल के बाद में फिश जेल से निकलता है और इसलिए ड्यूक ने आज सभी को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ फिश को ही पता थी और आज वे लोग फिश से उस चीज़ का पता निकलवाने वाले थे। फ्रांसिस ने 5 महीने पहले ये सब काम छोड़ दिए थे, लेकिन ड्यूक उसे आज की रात के लिए उसके साथ में रहने के लिए फोर्स करता है। यहाँ पर फिर बातों ही बातों में मैक्स और क्रो के बीच में झगड़ा होता है और क्रो के फेस पर चोट लग जाती है जिससे क्रो बाथरूम में साफ करने के लिए जाता है। फ्रांसिस यहाँ पर सभी बातों को सुशी गर्ल के सामने डिस्कस करने से डर रहा था और ड्यूक यहाँ पर फ्रांसिस को सुशी गर्ल के लिए टेंशन लेने से मना करता है। उसके मुताबिक सुशी गर्ल उनकी बातों को कहीं भी नहीं बताएगी। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर फिश आ जाता है और ड्यूक उसको वेलकम करता है और उसके बाद ड्यूक सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहता है जहाँ पर उनका नेम प्लेट लगा हुआ था और सभी को वहीं पर बैठना था। सभी की चेयर पर एक एक मास्क रखे हुए थे और उन मास्क का सबका उनके पास्ट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। सभी सुशी गर्ल की बॉडी से खाना खाने लगते हैं और मैक्स तो यहाँ पर चॉपस्टिक भी पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता था और उसे देखकर क्रो उसका मजाक बनाता है। मैक्स यहाँ पर डायरेक्ट फिश से उसके पैसे के बारे में पूछता है और आखिर ये लोग किस पैसे की बातें कर रहे थे ये हम आगे देखने वाले हैं। फिश यहाँ पर यही बोल रहा था कि ना ही उसके पास में पैसे है और ना ही उसने पुलिस के सामने उनका नाम लिया है, उसे बस अपनी फैमिली के पास में सही सलामत अपने घर जाना है और उन डायमंड के चक्कर में उसके 6 साल बर्बाद हो चुके थे। लेकिन ड्यूक उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और उसे सच बताने को कहता है। यहाँ पर फिश मैक्स और बाकी सभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि क्या पता उन लोगों ने ही डायमंड चोरी करके उसे जेल भेजा होगा। यहाँ पर ड्यूक फिश को डायमंड के बारे में बता देने को कहता है, नहीं तो वो उसे टॉर्चर करने की बातें करता है। फिश भी कुछ नहीं बताता है और तब क्रो फिश के सामने एक टॉर्चर किट रखता है।
सीन कट होता है और अब कहानी 6 महीने पहले की तरफ आ जाती है, जहां पर हम मैक्स, ड्यूक, फिश, क्रॉ और फ्रांसिस को देखते हैं और उनके साथ में एक ड्राइवर भी था। वो सभी एक बिल्डिंग में कुछ डायमंड को लूटने वाले थे। फिश यहाँ पर उनके ग्रुप में नया था, लेकिन अब उनको यहाँ पर मिलकर काम करना था। सभी रॉबरी के लिए रेडी होते हैं और उन लोगों के पास में रियल गन भी थे। इसका मतलब साफ था कि ये कोई छोटी मोटी रॉबरी तो नहीं होने वाली थी। ड्यूक सभी को मास्क देता है ताकि उन लोगों को कोई पहचान नहीं पाए। ड्यूक सभी को मास्क भी देता है ताकि उन लोगों को कोई भी पहचान नहीं पाए, और ये वही मास्क थे जो कि हमने कुछ देर पहले देखे थे। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर मैक्स और क्रॉ ने फिश को चेयर के साथ में बांध दिया था और डायमंड का पता लगाने के लिए वे सभी बारी बारी से फिश को टॉर्चर करने वाले थे। ड्यूक टेबल पर एक टाइमर लगा देता है और उस टाइमर के पूरा होने से पहले अगर फिश ने डायमंड का पता नहीं बताया तो उसे और टॉर्चर किया जाएगा। ड्यूक फिर फिश के सामने बैठकर उससे बातें करने लगता है और उसके मुताबिक उस दिन पुलिस के आने पर आखिरी में फिश ही वहाँ पर भागा था और डायमंड का बैग भी उसके साथ ही था। तो डायमंड कहाँ थे इस बारे में फिश को नहीं पता था। अब टाइम पूरा हो जाता है लेकिन फिश तब भी अपना मुंह नहीं खोलता है, तो इसलिए ड्यूक के कहने पर मैक्स फिश को टॉर्चर करने लग जाता है। यहाँ पर फ्रांसिस फिश को टॉर्चर करने के खिलाफ था और उसके मुताबिक फिश उनकी टीम में था, तो उसे ऐसा टॉर्चर करना सही नहीं था। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रांसिस की बातों पर ध्यान नहीं देता है और मैक्स यहाँ पर फिश को मारने पीटने लगता है। मैक्स को वैसे भी फाइट करने का मौका चाहिए था, तो उसे फिश को टॉर्चर करके मजा आ रहा था। ड्यूक फिर मैक्स को रोकता है और फिर से टाइमर को स्टार्ट करके फिश को एक मौका देता है डायमंड का पता बताने के लिए। मैक्स फिश से डायमंड का पता नहीं निकलवा पाया था, तो इसलिए क्रॉ मैक्स का मजाक उड़ाता है। मैक्स और क्रॉ $5,000 का चैलेंज भी लगाते हैं कि कौन पहले फिश से डायमंड का पता निकलवाएगा। फिर क्रॉ कुछ टूल्स को फिश के पास उसको टॉर्चर करने के लिए लेकर जाता है। अब टाइमर के खत्म होते ही क्रॉ एक चॉपस्टिक को फिश के पैर पर एक हथौड़ी से मारकर घुसा देता है। दर्द से फिश इतना जोर से चिल्लाता है कि उसकी चीखें उस होटल के बाहर तक जाती है। गुस्से में फिश क्रॉ को गाली देने लगता है, जिस बात से मैक्स क्रॉ पर हंसने लगता है। क्रॉ फिश को और टॉर्चर करने वाला था, लेकिन ड्यूक उसे रोकता है और एक बारी में कोई एक बारी फिश को टॉर्चर कर सकता था। फिश यहाँ पर क्रॉ को अभी भी गालियाँ दे रहा था, तो इसलिए ड्यूक को रोकने पर भी क्रॉ हैमर से फिश को मारकर उसे बेहोश कर देता है। सीन कट होता है, वो कहानी फिर से पास्ट में उस रॉबरी के दिन पर आती है, जहाँ पर कुछ लोग एक बिल्डिंग में करोड़ों के डायमंड की टेस्टिंग कर रहे थे। उसी बिल्डिंग के बाहर ड्यूक के टीममेट रॉबरी के लिए आ जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में उनको देखते ही वहाँ के गार्ड बाहर आ जाते हैं, लेकिन रॉबर्स गार्ड को गोली मारते हुए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। फिर डायमंड टेस्टिंग करने वाला आदमी डायमंड को लेकर भागने वाला था, लेकिन रॉबर्स उनको पकड़ लेते हैं। उसके आदमी डायमंड के बैग को अपने हाथ के साथ एक हैंडकफ लगाकर रखता है, तो इसीलिए मैक्स उस आदमी के हाथ को काटकर बैग को ले लेता है। मैक्स ने बैग को फिश को लेने दिया था और इसी के साथ में स्टोरी फिर से अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर क्रॉ फिश को होश में ला रहा था और बहुत टाइम के बाद में फिश होश में आ जाता है। यहां पर फिश को टॉर्चर होता हुआ देखकर फ्रांसिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही वो फिश को टॉर्चर कर रहा था। मैक्स फिर एक बैट को लेकर फिश के पास में आता है और टाइमर के खत्म होते ही फिश को उस बैट से पीटने लगता है। यहाँ पर कोटनी को उनका ये सब काम देखकर डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जितना हो सके खुद को शांत कर रही थी। मैक्स की पिटाई से फिश का फेस पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था और ड्यूक मैक्स को वहीं पर रोक देता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चल चुका था कि फिश को डायमंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे डायमंड के बारे में पता होता तो वो इतना भयानक टॉर्चर नहीं सहन करता। अब फिश से डायमंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाने की वजह से मैक्स बहुत गुस्सा था और गुस्से में वो उस बेट को क्रॉ की तरफ फेंक देता है और लकीली क्रॉ उस बेट के वार से बच जाता है। ड्यूक फिर से टाइमर स्टार्ट करता है और इस पर क्रॉ फिश के पास में जाता है। टाइमर के खत्म होने पर भी जब फिश कुछ नहीं बताता है तब क्रॉ फिश के कई सारे दांत उखाड़ देता है। फिश को टॉर्चर करता हुआ देखकर फ्रांसिस को उल्टी होने लगती है और वो बाथरूम चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रांसिस अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर आया है, जो कि होटल के बाहर एक गाड़ी में है, और ये वही लोग हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में कुछ वॉइस रिकॉर्ड करते हुए देखा था। फ्रांसिस ने अपने कपड़ों के अंदर एक माइक और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट किया हुआ था। यहाँ पर ड्यूक और बाकी लोग जो कुछ भी बातें कर रहे थे वो सब कुछ फ्रांसिस के आदमी बाहर सुन रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। फ्रांसिस को पकड़ जाने का डर भी था और बाथरूम में जाकर ड्रग लेता है और अपने बेटे की फोटो को देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रॉ एक के बाद में एक फिश के दांत को उखाड़ रहा था, लेकिन वो भी फिश के मुंह से डायमंड के बारे में
एक बात को भी नहीं निकलवा पा रहा था, तो इसीलिए गुस्से में मैक्स फिश को पीटने लगता है, जिसकी वजह से फिश वहीं पर मारा जाता है। अगेन सीन कट होता है और कहानी फिर से उसी टाइम पर आ जाती है जहाँ पर रॉबरी करते हुए भागते टाइम उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके साथ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी का ओनर माइक उनकी कार के पास में हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन ड्यूक उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर वहाँ पर पुलिस आने वाली थी, तो इसलिए वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उस एक्सीडेंट में उनका ड्राइवर मर चुका था और भागते टाइम फिश सबसे आखिरी बार मिलता है, क्योंकि उसे अब पुलिस पकड़ लेती है। वहाँ पर डायमंड वाला बैग फिश के पास ही था, तो इसीलिए सभी प्रेजेंट टाइम में फिश से डायमंड के बारे में पूछ रहे थे। अगेन प्रेजेंट टाइम में फिश को मरता हुआ देखकर सभी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब फिश के बिना उनको डायमंड के बारे में कैसे पता चलेगा। क्रो यहाँ पर मैक्स को ही उल्टा सीधा कह रहा था, क्योंकि उसी ने गुस्से में फिश को मार डाला था। दोनों के बीच में झगड़ा हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर फ्रांसिस आकर ड्यूक पर डायमंड चोरी का इल्जाम लगा देता है। फ्रांसिस के मुताबिक ये सब ड्यूक का प्लान था कि वे लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देंगे और डायमंड का अकेला मालिक वो खुद बन जाएगा। अब फिर खुद का फंसता हुआ देखकर ड्यूक सभी को ये बात बता देता है कि फ्रांसिस बाहर कुछ लोगों को लेकर खड़ा हुआ है जो कि उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर ड्यूक जब फ्रांसिस की शर्ट को उतार कर सबको माइक दिखाने वाला था, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई माइक था ही नहीं। फ्रांसिस को तो ये पहले ही पता चल चुका था कि ड्यूक को उस पर शक है, तो इसलिए बाथरूम जाते टाइम ही फ्रांसिस ने माइक उतार दिया था। ड्यूक पर अब मैक्स भी शक कर रहा था, तो इसीलिए गुस्से में ड्यूक फ्रांसिस को गोली मार के उसकी भी जान ले लेता है। लेकिन यहाँ पर क्रो ड्यूक का साइड लेता है और तब मैक्स और क्रो एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। वैसे भी उन दोनों की पहले से ही नहीं बनती थी, और यहाँ पर क्रो की गोली से मैक्स मारा जाता है, लेकिन क्रो भी जिंदा था और जख्मी था। फिर ड्यूक अपना असली रंग दिखाते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रो को ही मार डालता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इन सभी मर्डर की सिर्फ एक ही विटनेस बची हुई थी, और वो थी वो सुशीगल कोर्टनी। लेकिन ड्यूक कोर्टनी को मारने से पहले उसका फायदा उठाने की सोचता है। अपनी आंखों के सामने इन सब मर्डर को देखकर कोर्टनी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने ट्रेनिंग के हिसाब से एक सुशीगल की तरह एक्ट कर रही थी। कोर्टनी की इस हिम्मत को देखकर ड्यूक उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है, और ड्यूक कोर्टनी की बॉडी से एक खाने को उठाकर खाता है। वो जैसे ही उस खाने को खाता है, तभी अचानक से ड्यूक की पूरी बॉडी पैरालाइज होने लगती है, क्योंकि उस खाने में पॉइजन था। यहाँ पर हमें एक राज पता चलता है कि कोर्टनी ने शेफ को पहले पैसे दिए हुए थे उसके हिसाब से एक खाने में पॉइजन डालने के लिए। कोर्टनी फिर ड्यूक को और टॉर्चर करने लगती है, लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिरकार कोर्टनी ये सब क्यों कर रही थी। और यहीं पर दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। हमें पता चलता है कि 6 साल पहले रॉबरी करते टाइम जिस कार से उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार कोर्टनी के हस्बैंड की थी। वही कार का ओनर मैक जिसे ड्यूक ने गोली मारकर उसे जान से मार दिया था, और उस टाइम कोर्टनी भी उसी कार में मौजूद थी। कोर्टनी ने ड्यूक के हाथों अपने पति को मरता हुआ देखा और डर के मारे वो कार में छुप गई थी। लेकिन जब फिश डायमंड बैग लेकर भाग रहा था, तब बैग फट गया था और डायमंड वहीं रोड पर गिर गए थे, और इस बारे में फिश को कुछ भी पता नहीं था। माइक को मारकर ड्यूक ने माइक की वेडिंग रिंग अपने पास में रख ली थी, और प्रेजेंट टाइप में कोर्टनी ड्यूक के फिंगर काटकर माइक से उस रिंग को वापस ले लेती है जो कि उसके हस्बैंड की थी। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए कोर्टनी ने 6 साल से उन्हीं के चोरी किए हुए डायमंड से यह सब प्लान किया। पॉइजन के कारण ड्यूक पैरालाइज हो चुका था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था, और कोर्टनी उसे गोली मारकर उसकी भी जान ले लेती है। अब हम देखते हैं कि शेफ कोर्टनी के साथ में मिला हुआ था, जो कि फ्रांसिस के लोगों को भी मार देता है, और उस होटल के साथ फ्रांसिस के लोगों को पेट्रोल डालकर जला देता है ताकि पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले। यहाँ पर कोर्टनी के साथ रहने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि वही गार्ड थे जो कि डायमंड को गार्ड कर रहे थे, और 6 साल पहले वे दोनों ड्यूक की टीम के हमले से बच गए थे। अब फिर शेफ वहाँ पर अपनी कार लेकर आता है, और कोर्टनी कार में बैठकर अपना बल्ला पूरा करके वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों इस मूवी में हमने कुछ रॉबर्ट को देखा जो कि ड्यूक क्रियो मैक्स फ्रांसिस फिश और वो ड्राइवर थे। आज से 6 साल पहले उन लोगों ने कुछ डायमंड की रॉबरी की थी, लेकिन रॉबरी करके भागते टाइम माइक के साथ उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी टीम का ड्राइवर मारा गया था। माइक यहाँ पर उनकी हेल्प करने आया था, लेकिन ड्यूक ने उसी के ऊपर गोली मार दी। माइक की पत्नी कोर्टनी थी और उस टाइम वो कार में बैठकर ये सब देख रही थी। पुलिस को आता देखकर सभी रॉबर वहां से भाग गए थे, और यहाँ पर डायमंड का बैग फिश के पास में था, लेकिन बैग फटकर डायमंड रोड पर गिर गए थे और फिश को पता भी नहीं चलता है। पुलिस ने फिश को पकड़ लिया था और उसे 6 साल की सजा हुई थी। फिर जेल से छूटने के बाद में बाकी टीम मेट ने फिश को टॉर्चर करके उसे डायमंड का पता निकलवाने की कोशिश की, जिस दौरान फिश उनके हाथों मारा गया।
क्योंकि फिश को खुद नहीं पता था कि आखिरकार डायमंड गए कहाँ। जब वो डायमंड रोड पर गिरे थे तो कोर्टनी ने उन डायमंड को अपने पास में रख लिया था और 6 सालों तक ड्यूक से अपने हस्बैंड माइक के मर्डर का बदला लेने के लिए उसने प्लान बनाया। ड्यूक जिस रेस्टोरेंट को जापानी रेस्टोरेंट बनाने के बारे में सोच रहा था तो कोर्टनी ने ड्यूक से दोस्ती बढ़ा ली थी और वो उसके रेस्टोरेंट की एक सुशी गर्ल बन गई थी। कोर्टनी ने शेफ को पैसे देकर खाने में पॉइजन मिलाया और लकीली वही खाना ड्यूक ने खा लिया जिसमें पॉइजन था। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की मौत का बदला लिया। तो दोस्तों, इस पूरी मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि एक आदमी भले ही अपनी मरी हुई पत्नी का बदला नहीं ले, लेकिन एक औरत अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसा कि हमने मूवी में देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस देखना है तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।